नमस्कार, शालिनी पेज पे आपका स्वागत है। आज हमने जिस तरीके से इमली के बूटे होते हैं उसी तरीके से हमने अमिया की गटागट बनाई है। यदि ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए और मेरा बेल आइकन हिट करना ना भूलिए ताकि आप मेरी फ्यूचर का नोटिफिकेशन देख पाएँ। थैंक यू सो मच। गटागट के लिए हमने 200 ग्राम की एक अमिया ली है। अब मैं इसको छील लूँगी और इसे काट लूँगी पतला पतला। आप चाहें तो कैसा भी काट सकते हैं क्योंकि हमें इसे मिक्सर ग्राइंडर में पीसना है, इसलिए हम इसे पतला पतला काट लेंगे। अब मैं इसे कच्ची अमिया को ही मिक्सर ग्राइंडर में पीस लूँगी। बहुत से लोग इसे बॉईल करके पीसते हैं पर मैं इसे कच्चा ही इसे अमिया को पीसूँगी। गटागट बनाने के लिए मैंने एक कढ़ाई रख दी है। अब मैं इसमें बिल्कुल थोड़ा सा एक चम्मच घी डालूँगी, बिल्कुल आधी चम्मच। सिर्फ हमारी हींग भुन जाए इसलिए हम इसको अंदर डाल रहे हैं। अब इसमें आधी चम्मच ये हींग है ये इसके अंदर डाल दूँगी और मैं इस हींग को भून लूँगी। ये हींग डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी रहती है इसलिए हम हींग जरूर डालते हैं। अब ये हींग भून जाएगी, बिल्कुल धीमी आंच पे इसे भूनना है। ये हींग भून चुकी है और ये मैंने पल्प निकाला था जो उसका पूरा पीस लिया है, उसको फाइन पेस्ट बना लिया है। अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी और इसे 5 से 7 मिनट बिल्कुल धीमी आँच पर इसे पकाऊँगी ताकि अमिया का जो कच्चापन है वो बिल्कुल हट जाएगा। इसका हमें बिल्कुल पानी एकदम सुखाना होता है। इसमें अगर थोड़ा सा भी पानी रह जाएगा तो आपका ख़राब होने का डर रहता है, इसलिए हम इसको बिल्कुल इसका पानी जो है बिल्कुल सुखा देंगे इस तरीके से। जितनी हमारी अमिया होती है उतना ही हम गुड़ लेते हैं। ये मैंने 300 ग्राम गुड़ लिया है, इसको मैंने कूट के महीन कर लिया है। अब मैं इसको इसके अंदर डाल दूँगी और जब तक ये मेल्ट होगा तब तक मैं इसे चलाती रहूँगी। गुड़ अच्छी तरह मैश हो चुका है। अब हम इसमें आधी चम्मच काली मिर्च डालेंगे। काली मिर्च बहुत अच्छा रहता है, माइंड के लिए बहुत अच्छी रहती है। बिल्कुल 1/4 चम्मच हमने सफ़ेद नमक डाला है, 1 चम्मच हम खटाई डालेंगे और आधा चम्मच ये गरम मसाला डालूंगी। ये मेरे घर का गरम मसाला है। यदि आपको इसकी रेसिपी देखनी है तो आप लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। और ये 1 चम्मच काला नमक डालूंगी और 1 चम्मच से थोड़ा सा कम ये आधी चम्मच करीब भुना जीरा डालूंगी। अब ये सभी कुछ मिला के मैं इसे इसका पेस्ट जो है बहुत गाढ़ा बनाऊंगी ताकि आपस में चिपक जाए। इस तरीके से बनाना है हमें कि ये चारों तरफ भी दिखाई दे रहा है वो अपने आप ही बीच में आ जाएगा और बिल्कुल एक आपस में इकट्ठा हो जाएगा। तब तक हमें इसे पकाना है, बिल्कुल धीमी आँच पकाना है और लगातार चलाते रहना है ताकि ये आपस में लगे नहीं नीचे कढ़ाई में। बनने में 15 से 20 मिनट लग जाते हैं। बस जो इसका ये पानी एक्स्ट्रा पानी है वो हमें निकालना होता है क्योंकि इससे हमारी जो गोलियां हैं वो हम 1 साल तक रख के नहीं खा सकते हैं, ख़राब हो जाती हैं। और इसकी चाशनी बिल्कुल एक तरह से ये मान लीजिए आप गोली वाली चाशनी की तरह से इसे गाढ़ा एकदम करना होता है तभी हमारी गोलियाँ अच्छी बनेंगी। यदि थोड़ा सा भी इसमें कच्चापन रह जाएगा तो वो हाथ में चिपकने लगेंगी, इसलिए हमें इसे बहुत अच्छी तरह से एकदम गाढ़ा सा इसे पकाना है। देखिए हमारा बिल्कुल तैयार है ये गटागट। बस अब आपको इस तरीके से चेक करना है, ये एकदम गाढ़ा सा होने लगेगा, आपको चलाने में बहुत टाइट सा महसूस होगा। बस इस तरीके से अब ये हो चुका है। अब मैं इसे प्लेट पर निकाल लूँगी गरम गरम को और फिर इसे ठंडा होने के लिए रख दूँगी। आधी कटोरी चीनी को मैंने मिक्सर ग्राइंडर में पीस लिया है और पीस के उसका फाइन सा एकदम पाउडर बना लिया है। अब हम जो गोलियाँ हैं वो इस पाउडर में हम लिपटेंगे। देखिए हमारा ये बिल्कुल मिक्सर जो है बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब हम इसमें से थोड़ा थोड़ा हाथ पे लेती जाएंगे इस तरीके से और इस तरीके से छोटी बड़ी आप साइज की अपने अकॉर्डिंग गोलियां बनाते जाएंगे। बहुत आराम से बन जाएंगी ये गोलियां। बस यदि आपका मिक्सचर टाइट होगा और एकदम ठंडा हो जाएगा इस तरीके से गोली बनती जाएगी और हम हर गोली को इस तरीके से चीनी में लपेट लेंगे और
इसको हम रखते जाएंगे। इसी तरीके से हम सारी गोली का मिक्सचर बनाते जाएंगे। ये देखिए बिल्कुल आराम से बन जाएगा। और बस इस तरीके से चीनी में लपेटेंगे और इसको रखते जाएंगे। इसी तरीके से मैं सारी गोलियां बना लूँगी। आपको इस बात का ध्यान रखना है, जब भी आप इसे बना रहे हो तो बस इसे मॉशिस नहीं इसमें लगना चाहिए। आप कूलर में या एसी में नहीं बनाइए, सिंपल जगह पर बनाइए बिना हवा के, क्योंकि चीनी जो है वो हल्का सा मेल्ट हो जाती है। इस चक्कर में हम उसको थोड़ा सा मॉशिस से बजा के रखते हैं और एयर टाइट डिब्बे में से हम भर देंगे और आप इसे 1 से 2 साल के लिए खा के खा सकते हैं। ये देखिए हमारे सारे कटाकट बनके तैयार हैं। बस आप इसको स्टोर करते समय इस बात का ध्यान रखिए कि इसका मॉशिस इसमें नहीं जाए और आप एयर टाइट डिब्बे में इसे भर के रख दीजिए और थोड़ी सी चीनी उसमें एक्स्ट्रा ऊपर से डाल दीजिए। जब आप बाज़ार से लाते हैं तो उनकी जार में भी थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीनी होती है, उसी तरीके से मैंने थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीनी इसमें रखी है। अब मैं किसी भी एयर टाइट डिब्बे में से भर के रख दूँगी। देखिए हमारा गटारगट बनके तैयार है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। आप इसे काफ़ी टाइम तक 1 साल तक किसी भी कंटेनर में भर के रख सकते हैं। बस एयर टाइट होना चाहिए, इसे बस मॉइस्चर से बचाना है। यदि ये रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए और मेरा बेल आइकन हिट करना ना भूलिए ताकि आप मेरी फ्यूचर का नोटिफिकेशन देख पाएँ। थैंक यू सो मच।